पर एप्रन का शिलान्यास आज और नई पार्किंग और निर्माण के लिए होगा ये शिलान्यास। बीसी के जरिए दिल्ली से शिलान्यास करेंगे दो केंद्रीय मंत्री। जयपुर एयरपोर्ट पर एप्रन का शिलान्यास आज होने जा रहा है और बीसी के जरिए दिल्ली से ही दो केंद्रीय मंत्री इसका आगाज करेंगे। तो नई पार्किंग और निर्माण के लिए आज ये शिलान्यास होना है। एक लंबा इंतजार किया है जयपुर की जनता ने इसके लिए, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। तो अभी तक एयरपोर्ट में पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता था आम लोगों को, लेकिन अब ये काफी हद तक जो दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी, क्योंकि लंबे वक्त से यहां निर्माण काम चल रहा था पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। बीसी के जरिए दिल्ली से दो केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, लंबा इंतजार किया है आम लोगों ने भी, क्योंकि पार्किंग की समस्याओं से अक्सर वहां लोग जूझा करते थे, अब वो दिक्कतें कम से कम दूर हो जाएंगी जब ये शिलान्यास हो जाएगा आज। जी देखिए दिव्या, ये जो एप्रन का निर्माण होना है वो विमानों की पार्किंग के लिए है, और यहाँ पर 32 नए विमानों की पार्किंग बनाई जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हालांकि इसका काम शुरू कर दिया है, लेकिन शिलान्यास अब किया जा रहा है। आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आज शिलान्यास करेंगे। दिल्ली से रहेंगे वो, और जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही महापौर विष्णु लाटा भी यहाँ रहेंगे, स्थानीय विधायक गंगा देवी भी यहाँ मौजूद रहेंगे, और एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं जयदीप सिंह बलहारा, सीएसएफ के कमांडेंट वाईपी सिंह, जो तमाम अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होगा, और उसके बाद 32 जो नए पार्किंग बनाए जा रहे हैं विमानों के लिए वो काम शुरू हो जाएगा। और उसका फायदा ये मिलेगा कि जो दिल्ली से डायवर्जन होते हैं विमान, एक साथ डायवर्ट होकर आते हैं जब मौसम खराब होता है दिल्ली में, तो उन विमानों की पार्किंग की समस्या नहीं रहेगी। और साथ में जयपुर एयरपोर्ट पर अगर भविष्य में फ्लाइट बढ़ती है, जैसे कि फिलहाल अभी 70 फ्लाइट संचालित हो रही हैं, और भविष्य में ऐसी संभावना है कि अगले 5 साल में इनकी संख्या दुगनी से ज्यादा हो जाएगी, तो वो जो पार्किंग की कमी रहती है विमानों के लिए वो समाप्त हो जाएगी। चलिए शुक्रिया आपका काशीराम इस जानकारी के लिए। तो दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है, जब विमान यहाँ पहुंचते हैं और पार्किंग की समस्या रहती है, तो उस समस्या को देखते हुए अब ये दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। और आज दोपहर 12 बजे के ये कार्यक्रम तय किया गया है, जब दिल्ली से वीसी के जरिए दो केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे।